नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर मेट्रो कोच के आने से पहले पॉलिटेक्निक डिपो में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डिपो के अंदर ट्रैक का काम पूरा कर लिया गया है। ट्रेलर पर उतारने के बाद तीनों कोच ट्रैक पर ही रखे जाएंगे। इसके अलावा डिपो के अंदर कोचों को जहां असेंबल किया जाएगा वहां भी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बता दें कि गुजरात से आगरा के रास्ते होते हुए कोच कानपुर लाए जा रहे हैं। कोच हाईवे से उतरकर यशोदा नगर बाईपास से शहर के अंदर आएंगे। इसके बाद टाटमील चौराहा होते हुए जीटी रोड से पॉलिटेक्निक डिपो की तरफ जाएंगे। कानपुर मेट्रो ने रास्तों में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए टीमों का गठन किया है। टीमों ने रास्ते का सर्वे शुरू कर दिया। सड़क के बीच से गुजर रहे गड्ढों को भरने का काम भी तेज कर दिया गया है। इसके अलावा रास्तों के बीच में लटक रहे तारों, अवैध अतिक्रमण और स्पीड ब्रेकर की भी रिपोर्ट तैयारी की जा रही है। मेट्रो कोच के आने को लेकर रूट पहले से तय है। बहुत ही हाईवे से होते हुए ये कोच नौबस्ता की तरफ जाएंगे। नौबस्ता के पास हाईवे पर उतरकर ट्रेलर यशोदा नगर चौराहे से टाटमील की ओर मुड़ेंगे। टाटमील से ट्रेलर जीटी रोड पर बाई ओर मुड़ेंगे और अफीम कोठी चौराहा, जरीब चौकी, गुमटी नंबर 5, कोका कोला चौराहा, गोल चौराहा, गोटैया, रावतपुर होते हुए पॉलिटेक्निक डिपो पहुंचेंगे। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक 5.5 मीटर ऊंचाई तक के ट्रेलर में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा सामान्य तौर पर मेट्रो डिपो में आने वाले ट्रेलर 27 मीटर के होते हैं और मेट्रो का कोच 23 मीटर का है, इसीलिए इसे लाने में कोई समस्या नहीं होगी। वहीं यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC के MD कुमार केशव भी कानपुर आ सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोकार्पण कराने की बात कही है। मेट्रो कोच के आने को लेकर रूट पहले से तय है। बहुत ही हाईवे से होते हुए ये कोच नौबस्ता की तरफ जाएंगे। नौबस्ता के पास हाईवे पर उतरकर ट्रेलर यशोदा नगर चौराहे से टाटमील की ओर मुड़ेंगे। टाटमील से ट्रेलर जीटी रोड पर बाई ओर मुड़ेंगे और अफीम कोठी चौराहा, जरीब चौकी, गुमटी नंबर 5, कोका कोला चौराहा, गोल चौराहा, गुटैया, रावतपुर होते हुए पॉलिटेक्निक डिपो पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।